ये बेसिकली बिगिनर्स लोगों के लिए टारगेटेड है या इंटरमीडिएट लेवल्स के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए वीडियो टारगेट किया गया है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। जनरली मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है फोन पे, व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर कि हमको पता नहीं चल पाता कि हम किस डायरेक्शन में बाय करें, किस डायरेक्शन में सेल करें, ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों वही उसी चीज को अगर आप न्यू कमर है तो कुछ सिंपल सी ट्रिक्स लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो मैं यहां पर दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, एक होती है एवरेज प्राइस और एक होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये दो तरीके हैं, इन मतलब दो सिंपल तरीके, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे कोई एक्सवाईजेड, आरएसआई, एमएससीडी, स्टॉकेस्टिक, दुनिया भर के इंडिकेटर्स यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू कमर है, आज आपने नया नया स्टॉक मार्केट में काम शुरू किया है, आपको डेफिनेटली कोई मदद करने के लिए नहीं मिलता है, कोई अपने हिडन सीक्रेट्स नहीं बताएगा आपको, आपको खुद ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेहनत कर करके सीखना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप न्यू कमर से अपने लॉस बचाना चाहते हैं या किस तरीके से अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए ये छोटी सी ट्रिक्स है जो जब मैं न्यू कमर था जो मैं इन ट्रिक्स को यूज करता था और आज भी बहुत सी बार इन्हीं ट्रिक्स को यूज करता हूं। तो देखिए, अगर आपको किसी भी चीज का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, सपोज रिलायंस के अंदर मैं काम करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि मुझे उसके अंदर बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। और अगर मुझे बाइंग करनी है तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सही अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो बाय करने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो और नीचे जाने वाला है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो मेरा पॉइंट बनता है कि मैं उसको बाय करूं। तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्क्रिप्ट अप ट्रेंड के अंदर है और कौन सी स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है एवरेज प्राइस। आप अगर nseindia.com पे जाएंगे, NSE की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट को सर्च करते हैं, उसका मार्केट वॉच अगर आप निकालते हैं तो उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस तरीके से कुछ फील्ड होती है। या बहुत से अगर आपके ट्रेडिंग टर्मिनल है तो वहां पे एटीपी करके लिखा होता है या डब्ल्यूएपी करके लिखा होता है, वेटेड एवरेज प्राइस या एवरेज ट्रेडिंग प्राइस या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस तरीके से सब सारे अलग नाम है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है जो यूज करते हैं लोग, लेकिन दे ऑल सिग्निफाई वो सारे के सारे एवरेज प्राइस को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सपोज अगर मैं रिलायंस में काम करना चाहता हूं और अगर मैं सपोज 9 बजे मेरी नींद खुलती है, 9:30 बजे तक मैं रेडी हो जाता हूं और 9:45 को मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूं, लॉगिन करता हूं ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे रिलायंस अगर काम करना है तो मैं रिलायंस बाय करूं या सेल करूं। तो सबसे सिंपल तरीका है, आप 9:45 बाद काम कर रहे हैं, मार्केट को ओपन हुए ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, आप 9:45 को चेक करिए कि एलटीपी क्या चल रही है रिलायंस की और उसी समय आप चेक करिए कि उसकी एवरेज ट्रेडेड प्राइस या वेटेड एवरेज प्राइस क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस की एलटीपी जो है, वो अगर अभी 920 रुपया है और उसकी एटीपी मतलब एवरेज ट्रेडेड प्राइस अगर 910 रुपया है, मतलब अभी तक जितने लोगों ने भी ट्रेड किया उन्होंने जो एवरेज प्राइस जो अभी तक ट्रेड हुई है वो 910 रुपया हुई है, लेकिन अभी जो प्राइस चल रही है वो 920 रुपया चल रही है। कहने का मीनिंग यह है कि अभी वाली जो प्राइस है वो एलटीपी एवरेज प्राइस से ज्यादा है। इसका मतलब कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जो मार्केट की जो डिरेक्शन जा रहा है वो बुलिश जा रहा है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर रिलायंस का एलटीपी जो है वो एवरेज से अगर ग्रेटर देन है तो ये अप ट्रेंड हो जाएगा, अगर लेस देन है तो वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एलटीपी होता 890 रुपए, मतलब 890 रुपए 910 रुपए से नीचे है
इसका मतलब लोगों ने जो एवरेज प्राइस पर जो ट्रेड किया है, अभी प्राइस उसके नीचे चल रही है, मतलब लोगों का सेंटिमेंट नीचे की तरफ है। जो 910 रुपए में फिर क्या किया होगा लोगों ने ज्यादातर लोगों ने सेल किया होगा, इसीलिए मार्केट की प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। इसलिए एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो है बहुत अच्छा एक कंपोनेंट है, एक लेमेन के लिए आप बोल सकते हैं, एक लेमेन को समझने के लिए बहुत ही सबसे बेसिक कंपोनेंट जो है कि एटीपी एवरेज ट्रेड प्राइस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, लोगों का सेंटीमेंट किस तरफ जा रहा है। ओके, अगेन ये कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक अंदाजा मिलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली एवरेज प्राइस के बारे में। एवरेज प्राइस को यूज करके आप किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज जो मैंने बताया, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज तक जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ऐसा कोई ट्रेडर या टेक्निकल एनालिस्ट नहीं होगा जिसने आज तक अपनी लाइफ के अंदर अपने चार्ट्स में EMA नहीं लगाया होगा। चाहे भले उसने इंट्राडे चार्ट्स में लगाया होगा, चाहे वो डिलीवरी वाली डेली चार्ट्स में लगाया होगा, लेकिन EMA का यूज हर एक आदमी ने किया ही होगा। हो सकता है अभी फिलहाल कोई यूज ना करता हो कोई कोई लोग, लेकिन उसने अपने लाइफ में कभी ना कभी EMA जरूर यूज किया होगा। तो EMA क्या होता है? EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी ज्यादा डिटेल और फॉर्मूले आप कोई भी इन्वेस्टोपीडिया है, कोई भी और chartschools.com ऐसी बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है जहां पर जाकर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में इसके फॉर्मूले और इसकी वर्किंग समझ सकते हैं। अभी हमारे लिए समझना सिर्फ इतना जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके आप किस तरीके से अपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए जनरली क्या होता है, इंट्राडे के अंदर इस तरीके के चार्ट्स बनते हैं, ये आपकी सारी कैंडल्स बनती है, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो। ठीक है, इस तरीके से वो चार्ट्स की कैंडल बनती है। तो ये जो सारी कैंडल्स है ये कभी होती है 5 मिनट की कैंडल होती है, 10 मिनट की होती है, 1 आवर की कैंडल्स होती है, डेली चार्ट होता है, डेली कैंडल्स के चार्ट बनते हैं। तो ये सब जो अलग अलग प्राइस मूवमेंट होती है उसके हिसाब से जो है EMA जो होता है वो बेसिकली इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालता है, मूविंग एवरेज निकालता है। लेकिन मूविंग एवरेज किसका निकालेगा, तो आपको एक फिगर देना पड़ता है कि मुझे पिछले आधे घंटे का मूविंग एवरेज चाहिए या पिछले आधे घंटे वाली 15 कैंडल्स का मुझे मूविंग एवरेज चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक पीरियड डिफाइन करना पड़ता है जिसको हम एक्स कहेंगे। अब ये एक्स जो है वो चाहे 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 21 हो सकता है, 39 हो सकता है, 63 कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें वो हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर आप बोलते हैं कि मुझे लास्ट इतनी जो कैंडल्स बनी है उसका मूविंग एवरेज क्या है, उसका एवरेज क्या है। अगर आप अभी ये पॉइंट पे खड़े हैं, आपको डिसाइड करना है कि अभी क्या मूविंग एवरेज चल रहा है आप पिछले 10 कैंडल्स का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EMA ऑफ 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की यहां से लेकर यहां तक का जो एवरेज होगा वो आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली जब इसको हम चार्ट्स के अंदर प्लॉट करते हैं तो ये एक इस तरीके से लाइन बनती है, इस तरीके से एक लाइन बनेगी जो हमें 10 मिनट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताएगी। ओके, अब इसके अगर ये इस लाइन के ऊपर अगर जब तक कैंडल्स रहती है मतलब प्राइस रहती है तो इसको बुलिश कंसिडर किया जाता है, मतलब अप ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। जैसे इस चार्ट के नीचे आती है लाइन है तो उसको डाउन ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। अब इसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, इसको अंदर थोड़ा बड़ा मूविंग एवरेज लेते हैं, क्योंकि अगर छोटा मूविंग एवरेज आप लेंगे तो वो हमेशा कैंडल के साथ में ही मूव करेगा, तो क्योंकि छोटे टाइम का आपको एवरेज निकाल के देता है, तो छोटे टाइम का एवरेज तो हमेशा जो अभी करंट प्राइस चल रही है उसके आसपास ही होगा। इसलिए लोग जनरली बड़े बड़े थोड़े मूविंग एवरेज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 21 हो गया, 39 हो गया, 55 हो गया। तो जब आप थोड़ा सा बड़ा मूविंग एवरेज लेंगे तो इस तरीके से आपको चार्ट बनेगा, इस तरीके से आपका एवरेजिंग जो है वो EMA जो है वो बढ़ेगा। ये जो था ये करीब था 10 EMA और ये है करीब सपोज 55 EMA। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको चार्ट थोड़ा क्लियरली एक व्यू जो मिलता है आपको अच्छा व्यू मिलता है, आपको मालूम पड़ता है कि हाँ अब इसके ऊपर मतलब यहां तक मार्केट जो था बुलिश था, यहां जैसे इसके नीचे है मतलब मार्केट अब बैरिश हो गया। तो सिंपल करने आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। तो इस तरीके से एक छोटा सा EMA आप लगाकर आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं जनरली आपको कौन से EMA यूज करने चाहिए। देखो EMA यूज करने का कोई ऐसा डिफाइंड रूल नहीं है कि आपको ये EMA यूज करना चाहिए, लेकिन मैं जनरली जो प्रीफर करता हूं वो मैं फिबोनाची नंबर्स को प्रीफर करता हूं। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं आप इसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज इस तरीके से होती है,
फिबोनाची सीरीज इस तरीके से चलती है 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 और ब्ला 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 करके ओके 134 को जाएगा यहाँ पे। तो ये अलग अलग जो है एक्सपो फिबोनाची के नंबर्स होते हैं, तो फिबोनाची के नंबर्स के हिसाब से जनरली मैं अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने चार्ट्स पे लगाता हूँ। या तो मैं अपने चार्ट में 13 मूविंग एवरेज लगाऊंगा या 34 लगाऊंगा या 55 या 89 लगाऊंगा। मैं मूविंग एवरेज को उस हिसाब से चूज करता हूँ कि मुझे कितने टाइम फ्रेम के लिए मैं चार्ट्स को देख रहा हूँ। अगर मैं एकदम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूँ तो मैं 13 मूविंग एवरेज चूज करूंगा। अगर मैं और भी ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूँ तो मैं 5 का मूविंग एवरेज यूज करूंगा। अगर मैं थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहा हूँ तो मैं 34 का मूविंग एवरेज यूज करूंगा। अगर मैं थोड़ा और ज्यादा लंबे समय के लिए देख रहा हूँ, डिलीवरी के लिए देख रहा हूँ या पोजिशन के लिए देख रहा हूँ, तो शायद मैं 89 का मूविंग एवरेज यूज करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मूविंग एवरेज यूज करके आप एक एवरेज डिसाइड कर सकते हो और फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस उस एवरेज के ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो हर एक ट्रेडर जो हर एक नया बंदा होता है वो जनरली इसी तरीके से शुरुआत करता है। वो हमेशा सबसे पहली चीज जो अपने चार्ट पर लगाता है वो या तो RSI होता है या EMA होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, तो अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये एक जो चार्ट है इस तरीके से चार्ट बना है आपका और आपने एक EMA लगा दिया जो इस तरीके से EMA बना, इसके ऊपर गया तो बुलिश है, इसके नीचे गया तो बेरिश है। लेकिन इसको और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको ज्यादा और एक्यूरेट करने के लिए लोग 2 EMA यूज करते हैं या फिर 3 EMA यूज करते हैं। अब 2 EMA यूज करके आप किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 EMA क्या करता है, आप एक बड़ा EMA लेते हैं बिग EMA और एक छोटा EMA लेते हैं आप स्मॉल EMA। ओके, अब जैसे मैंने आपको नंबर्स बताए थे 1 फलाना दिन का, फिर आया था 8, 13, 21, 34, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं जो होता है अगर मैं इंट्राडे में काम कर रहा होता हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहा होता हूँ तो मैं 5 और 13 का मूविंग एवरेज लेता हूँ। तो ये जो 5 का मूविंग एवरेज होता है वो एकदम स्मूथली चलता है, मतलब एकदम सॉरी ये जो सपोज चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी चार्ट है, ये मेरी कैंडल्स बन रही है। ओके, ये मेरी कैंडल्स बनती जा रही है। अब मैं अगर 5 EMA लगाऊंगा तो 5 EMA तकरीबन इसके साथ साथ ही चलेगा, इस तरीके से EMA चलेगा क्योंकि शॉर्ट टाइम का वो EMA है और साथ में थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का लगाऊंगा मतलब 13 का, तो 13 का EMA जो है वो तकरीबन इस तरीके से चलेगा और वो इतना ज्यादा शार्प मूवमेंट नहीं देगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, मुझे एक अच्छा ओवरव्यू मिलता है। जैसे यहां पे उसने क्रॉसिंग दी है, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे उसने दोनों लाइन को टच किया, क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे की एंगल जैसा बना है, तो यहाँ पे जो बनेगा ये मेरा एक बाइंग पॉइंट होगा। क्योंकि मेरे को ये जो छोटे वाला जो EMA है मतलब 5 वाला जो EMA है उसने 13 EMA को क्रॉस किया है, तो मैं यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दूंगा क्योंकि इसको मैं EMA क्रॉस ओवर कहूंगा। ये जब दोनों लाइन मिलती है तो उसको क्रॉस ओवर कहते हैं, और क्रॉस ओवर होता है 2 टाइप के, या तो वो अपसाइड क्रॉस ओवर होता है या डाउन साइड का क्रॉस ओवर होता है। अगर अपसाइड का क्रॉस ओवर होता है मतलब बाय करना है, डाउन साइड का क्रॉस ओवर होता है मतलब सेल करना है। ये सिंपल सा तरीका है, अगर आप एक न्यू कमर है तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखिए ये जो छोटा वाला काली वाली जो लाइन है छोटा EMA है, ये 5 EMA है। ओके, और ये जो बड़ा जो रेड लाइन है वो बड़ी EMA मतलब वो 13 EMA है। तो मेरे को क्या करना है बेसिकली, जब 5 EMA 13 EMA को क्रॉस करे, अगर ऊपर क्रॉस करती है तो बाय करना है, नीचे क्रॉस करती है तो सेल करना है। तो देखिए यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, ये काली लाइन रेड लाइन के ऊपर जा रही है मतलब मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे आके इसने टच किया लेकिन अभी तक नीचे नहीं आई, अगर नीचे आ जाती तो मैं बोलता कि इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया, लेकिन यहाँ से टच करके फिर से ऊपर जा रही है। तो ये जो देखिए यहाँ पे फिर से इसने क्रॉसिंग दी है, ये पॉइंट में यहाँ से एक और एंगल बना है और ये सीधा डायरेक्शन बोल रहा है कौन सा, ऊपर का डायरेक्शन। तो ये देखिए काली लाइन इस लाइन रेड लाइन के ऊपर चल रही है, तो यहाँ पे फिर से मुझे अपने बाय का एक सिग्नल मिला है, यहां से मुझे बाय करना है, मेरे लिए ट्रेंड बाय का हो गया है। फिर यहां तक ऊपर गया, फिर यहां पे जाके उसने एक क्रॉसओवर दे दिया नीचे की तरफ, और यहां पे देखिए एक बड़ा सा एंगल बना है, एंगल बड़ा है तो ये डायरेक्शन किस तरीके का बना है, एंगल का नीचे का एंगल बना है मतलब नीचे का डायरेक्शन बना है मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। तो ये जो रेड काली लाइन है वो देखिए रेड लाइन के नीचे चल रही है, तो इस केस में मुझे नीचे का सिग्नल मिला है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो किस दिशा में जा रहा है। तो ये 2 सिंपल से तरीके हैं, ऐसा तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि आप अगर न्यू कमर है, अगर आपको कुछ सीखना है, स्टार्ट करना है,
तो आप ये सिंपल से तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट ही होगा इसी से, लेकिन आप लॉस करने से बच जाएंगे या अपने प्रॉफिट को कहां बुक करना है वो आपको समझ में आ जाएगा ये सिंपल टेक्निक से। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो डेटा का जो मूविंग एवरेज होता है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पर जो एवरेज प्राइस आपको मिलती है, ये दो चीजें यूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेंड कहां जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत से न्यू कमर्स गलतियां क्या करते हैं कि वो जनरली आते हैं और सीधा ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं लेकिन उनको ब्रोकरेज और कमीशन के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, तो जनरली वो सारे और पुराने ब्रोकर्स बाबा आलम वाले जमाने के जो ब्रोकर होते हैं उनके पास जाके अकाउंट ओपन कर लेते हैं जो आपसे करीब 10 पैसे तक का आपसे इंट्राडे में ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और 100 पैसा या 50 से 100 पैसा आपसे डिलीवरी के लिए चार्ज करते हैं जो कि बहुत ही महंगा ब्रोकरेज कंसीडर किया जाता है। दोस्तों अगर आपको इंट्राडे में पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको अपना पैसा जो है बचाना भी सीखना पड़ेगा और सबसे ज्यादा खर्चा जो वहां पे होता है वो होता है ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस में। देखिए टैक्सेस को तो हम बचा नहीं सकते लेकिन ब्रोकरेज को तो बचा सकते हैं। एक टैक्स होता है जीएसटी, ये जीएसटी लगता है आपके ब्रोकरेज के ऊपर। अगर आप ब्रोकरेज 100 रुपया दे रहे हैं तो आपको 18 रुपया जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ब्रोकरेज 10 रुपया दे रहे हैं तो आपको जीएसटी 1.8 रुपीज देना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ब्रोकरेज रिड्यूस करें तो कुछ टैक्स का कंपोनेंट भी आपका रिड्यूस हो जाता है, बाकी जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो तो लगने ही है। तो आप जब अगर नए हैं तो आप हमेशा एक अच्छे ब्रोकर, एक अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर जो ब्रोकरेज कम लेता हो आपसे उनके पास में जाइए। मेरे हिसाब से दो ब्रोकर बहुत अच्छे हैं, वो है एक है ज़ेरोधा और एक है अपस्टॉक। ये दोनों की अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स हैं, इन दोनों के बारे में जो चार्जेस की डिटेल्स है वो एक लिंक पे आपको मिल जाएगी, उन दोनों के लिंक्स मेरे वेबसाइट के मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और आपको मेरी वेबसाइट pivottrading.net पर भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी और आप उनमें चाहें तो अकाउंट ओपन करके अपनी लो ब्रोकरेज के साथ में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। उसमें खासियत यह है कि इन दोनों ब्रोकर्स के अंदर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको 1 लाख का चेक देना है डिपॉजिट का या 50,000 का चेक देना है मार्जिन का, या आपको अगर मार्केट में शुरू करना है तो आपको 20,000-25,000 का चेक देना ही पड़ेगा, या बहुत से जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं वो इस तरीके से कहते हैं कि अगर आप जितना ज्यादा पैसा अगर आप के साथ में ट्रेडिंग शुरू करते हैं उतनी कम ब्रोकरेज हम आपको देंगे। तो यहाँ पे ज़ेरोधा और अपस्टॉक के साथ में इस तरीके का कुछ भी नहीं होता, इनका फ्लैट स्ट्रक्चर है कि आप चाहे 1 करोड़ की ट्रेडिंग करते हो या 10 करोड़ की ट्रेडिंग करते हो या 10 रुपए की ट्रेडिंग करते हो, आपके लिए ब्रोकरेज सेम ही रहेगा। और इनका ब्रोकरेज होता है सबसे कम होता है, मार्केट का सबसे कम ब्रोकरेज है 1 पैसा। ठीक है, 1 पैसा इनका ब्रोकरेज है इंट्राडे का जो कि बहुत ही कम होता है, और डिलीवरी का इनका वही ब्रोकरेज होता है। तो हमेशा एक स्मार्ट स्टेप आप लीजिए, हमेशा चूज करिए कि किसके साथ में आप किस तरीके से आपको काम करना है। चलिए ठीक है, फिर और किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आऊंगा और फिर और किसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।